हेलो एवरीवन, मैं विवेक, आप सभी के बीच फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है। ये खास करके फिजिक्स की पढ़ाई के लिए ही है। और आज पूरा विश्व महामारी से गुजर रहा है, लॉकडाउन का पालन हमें अच्छे से करना है। और इस लॉकडाउन के बीच छात्रों को बहुत ही तकलीफ, समस्याएँ उठानी पड़ रही है। तो उसी के बीच मैं सोच रहा हूँ कि छात्र हितों में इंटरमीडिएट 9th 10th के लिए फिजिक्स का कुछ मटेरियल, कुछ लेक्चर हम अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, अगर अभी आप सभी का प्यार बना रहेगा इसी तरह। तो आइए बात करते हैं हम आज इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सिलेबस की। उससे पहले, जैसा कि बहुत सारे छात्र पता है कि 10वीं का इस बार रिजल्ट आने वाला है, देर हो गया है बिहार बोर्ड का, और जाहिर सी बात है कि सारे छात्र इंटर में एडमिशन लेंगे। तो उन सभी के लिए खास करके फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैं प्रिपेयर किया हूँ आज आप सभी के लिए फिजिक्स। और ये बिहार बोर्ड के साथ साथ CBSE बोर्ड के लिए भी है, और माध्यम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा। इसलिए आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ डिफर हो सकता है, कुछ टॉपिक्स छूट सकते हैं, फिर भी NCERT बेस्ड ये प्रिपेयर किया गया है। तो आइए ध्यान से हम ज़रा देखते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला है, यानी फर्स्ट नंबर पे है फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक जगत। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, यानी कि फिजिक्स की उपयोग, फिजिक्स दुनिया में कैसे कैसे कहां कहां पे स्प्रेड हुआ है, कैसे कैसे हम बढ़ते गए आगे फिजिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, रिलेटेड है कि फिजिक्स कैसे सोसाइटी से रिलेटेड है, कैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कैसे डेली लाइफ से रिलेटेड है। सेकेंड आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोग भली भांति परिचित हैं इससे, डेली लाइफ में हम लोग मास, लेंथ, द्रव्यमान, ये सब क्या है, मीटर, कपड़े को हम लोग क्या मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वही सब पढ़ना है मेजरमेंट। थर्ड नंबर पे है मोशन एंड प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का मोशन स्ट्रेट लाइन में, प्लेन में क्या होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में यहाँ से पार्टिकल यहाँ जा रहा है, प्लेन में उसके बारे में चर्चा पूरी तरह से इसमें किया जाता है। फोर्थ नंबर है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन का लॉ, नियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं न्यूटन साहब हमारे कितना प्रसिद्ध हैं कि बच्चा बच्चा तक जानता है। लॉ ऑफ मोशन में ही न्यूटन का लॉ आते हैं, जो कि बहुत ही दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। लॉ ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या है, तो वर्क कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य जनरली हम लोग जो करते हैं, यानी आप परिचित हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में थोड़ी डिफिनीशन डिफर कर जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। सिक्स नंबर है ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण पता है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो नीचे की ओर आता है, ऊपर अप डाउन में थ्रो करते हैं हम, यहाँ से अगर इसको अप डाउन में थ्रो करेंगे तो पता है कि अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है। इस प्रॉपर्टीज को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण। और जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उसको। सेवेंथ नंबर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि यांत्रिक गुण जिसको बोलते हैं, फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स जितने भी हैं। फ्लूइड्स में तरल भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं, ये ध्यान रहे। तरलों और ठोसों के हम क्या करें, यांत्रिक गुण, यानी कैसे बना, उसकी स्ट्रक्चर बनावट के बारे में। इलास्टिसिटी आता है, आप लोग सुने होंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम प्रेस करते हैं वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा इसमें है। एट नंबर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स जनरली केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है और फिजिक्स में भी है, जिसकी हिंदी होती है उष्मा गतिकी, यानी थर्मोडायनेमिक्स में ही काइनेटिक थ्योरी भी इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत सारे लॉ हैं इसमें, बहुत सारे लॉ आएंगे आपको थर्मोडायनेमिक्स में। गैसेस के लॉ बहुत ज़्यादा है, गैसेस के पार्टिकल्स छोटे छोटे, यानी हीट बोल सकते हैं, ये हीट के अंतर्गत आता है, इतने भी हीट है, हीट आपको पता है, एक एनर्जी का फॉर्म, हीट के बारे में पढ़ना है। नाइन्थ नंबर है ऑसिलेशन एंड वेव। ऑसिलेशन एंड वेव सिंपल सी बात है कि दोलन एवं तरंगे। तो वेव आपको पता है, साउंड वेव, लाइट एक वेव है, तो साउंड वेव कैसे जाता है, क्या ट्रेवल करता है, डॉपलर इफेक्ट्स वगैरह सारे चीज़ें इसमें चर्चा किया गया है। आप एक बार फिर से सिलेबस को देख लेंगे, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का है, ये दोनों के लिए है, इंग्लिश एंड
हिंदी मीडियम बोथ दोनों माध्यम में होता है। साइंस जनरली एक इंग्लिश मीडियम बोलते हैं जिसको, हिंदी प्लस इंग्लिश। जनरली बिहार बोर्ड में बहुत सारे छात्र इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, पूर्ण रूप से हिंदी मीडियम कोई नहीं पढ़ता है। ये गलत है पूर्ण रूप से कहना कि हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको हिंदी में ही वर्ड है, कुछ ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश में वर्ड है। तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि इंग्लिश और हिंदी मिला करके हम पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम जिसको बोलते हैं, और एक इंग्लिश प्योरली होता है। तो ये बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए ही है, या अदर स्टेट बोर्ड, थोड़ी बहुत टॉपिक्स डिफर हो सकती है बिहार एंड CBSE बोर्ड के लिए। एक बार ज़रा देख लें आप, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने सिलेबस की चर्चा की, ये एक इंट्रोडक्शन क्लासेस था। आप सभी का अगर प्यार मिलता रहा तो आगे किया जाएगा क्लास को हमेशा अपडेटेड। और एक खास बात, जितने भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं सदस्य, उनको दिल से धन्यवाद हम देते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आपके भी घर में बच्चे हों, छात्र हों, जो भी हों, अगल बगल सबको शेयर किया जाए, ताकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी छात्र इस मौके का फ़ायदा उठा सके और पढ़ाई बाधित ना हो सके। इसके लिए मैंने एक मटेरियल तैयार किया है। अगर हम इतना वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो आपकी भी थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिए हमारे प्रति। इसको शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि और लोग जानेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा, लाभान्वित होंगे इस कोर्स से। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अब हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की सिलेबस का चर्चा करेंगे, बातें करेंगे 12वीं फिजिक्स का। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बिहार बोर्ड के साथ साथ CBSE एंड अदर स्टेट्स बोर्ड के लिए भी है। कुछ टॉपिक्स मिस हो जाते हैं, बाकी सबका मिलता जुलता ही होता है सिलेबस। फर्स्ट में है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इंग्लिश वर्ड हो गया, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करना। स्थिर वायुदूत, यानी जब चार्ज रेस्ट में होगा तब उसकी चर्चा होगी, यानी जब चार्ज रेस्ट में होगा उसके बारे में जब पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक। स्टेटिक्स का मतलब ही होता है चार्ज जो भी हो रेस्ट में होना, नॉट अ मोशन। सेकेंड, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करेंट आ गया तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक करेंट जनरली हम लोग पता है वायर में फ्लो करता है, हम लोग के पास लाइट जलती है, बत्तियाँ जलती हैं, तो वही करेंट इलेक्ट्रिसिटी है। बस थोड़ा सा इसमें यह है कि हम लोग को पढ़ना है कि कैसे करती है, क्यों करती है, रीजन के साथ, कॉज के साथ। करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। थर्ड नंबर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूविंग चार्ज का मतलब हो गया है, यानी जो चार्ज पार्टिकल है क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, मोशन करेगा, गति करेगा। तो जहाँ मोशन में जब चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक करेंट वहाँ प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक करेंट जहाँ प्रोड्यूस होगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आता ही आता है। इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, चुंबकत्व जिसको बोलते हैं। फोर्थ नंबर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी पदार्थ और उसका चुंबकत्व गुण के बारे में, यानी कैसे कोई भी मैग्नेट होता है, क्यों होता है मैग्नेटिज्म, क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें चर्चा किया जाता है इस टॉपिक्स के अंतर्गत। फिफ्थ नंबर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वर्ड से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों आएगा, इंडक्शन यानी प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको बोलते हैं हिंदी। सिक्स नंबर है अल्टरनेटिंग करेंट, यानी AC जो करेंट में भी देखिए DC और AC होते हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। तो हम लोग के पास जो लाइट आती है वो AC होती है, और जो बैटरी के थ्रू आता है वो DC होती है, उसके बारे में भी चर्चा है। सेवन्थ नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि सब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तरंग जो फर्स्ट ईयर में इंटरमीडिएट में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करना है, जिसका हिंदी होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वेव जितने भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एट नंबर में है रे ऑप्टिक्स, यानी लाइट की जितनी भी स्ट्रक्चर और चर्चा जो भी बोले आप सिंपल वे में, उसके बारे में हमें पढ़ना है, प्रकाश के बारे में। नाइन्थ नंबर है वेव ऑप्टिक्स। लाइट एक वेव है, जैसा कि आप सभी ड्यूअल नेचर रखता है, दो दो प्रॉपर्टी रखता है लाइट, तो वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रतिसी। टेंथ नंबर रेडिएशन यानी विकिरण। रेडिएशन वर्ड जो आता है सुना सुना सा लगता है, रेडिएशन विकिरण यानी रेडिएट होना। अब रेडिएशन क्या है,
ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये ऑब्जेक्ट ये लाइट दे रहा है, कहीं से मिले करके लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रेडिएट कर रहा है, जनरली सिंपल वे में समझना है, लेकिन बेसिक्स कुछ और होते हैं। रेडिएशन का एग्जांपल सन है, सबसे बड़ा एग्जांपल तो सन है, सूर्य क्या रेडिएट करता है, रेडिएट एनर्जी मिलती है। 11th नंबर है सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न से नाम से देखिए यानी आज का जो फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, एटम्स न्यूक्लियस यानी एक मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ पार्ट पढ़ना होता है, एटम्स के बारे में, परमाणु के बारे में, न्यूक्लियस कंडक्टर क्या है, और कम्युनिकेशन सिस्टम जो आज हम फोन है लैपटॉप है सारी चीज़ें यूज करते हैं, कैसे यूज होता है, क्या होता है, वेव्स के माध्यम से सारी चर्चा मॉडर्न फिजिक्स में, नाम से देखिए आधुनिक भौतिकी यानी अब का जो करेंट का होगा उसके बारे में पढ़ना है। ये आपका टोटल सिलेबस था और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर यानी सिलेबस अच्छा लगा होगा आप लोग, जरा आप देख लें फिर से इसको और शेयर जरूर करें ताकि सभी छात्र को मौका मिल सके पढ़ने का जानने का, फिर से एक बार इसको देख लेगा।